Assalamualaikum, welcome to KooKingK.com. आज हम बना रहे हैं चॉकलेट क्रेप्स, तो चलें देखते हैं हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। एक कप मैदा लिया है, दो अदद अंडे ले लिए हैं, एक गिलास दूध लिया है, यहाँ पर मैंने विप क्रीम ली है टॉपिंग के लिए, स्ट्रॉबेरी सॉस, इसकी रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, डेढ़ खाने का चम्मच तेल, दो खाने के चम्मच मैंने कोको पाउडर ले लिया है और डेढ़ खाने का चम्मच ही मैंने यहाँ पर चीनी ली है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बाउल में दो अदद अंडे तोड़ लिए हैं, इसमें ऑयल शामिल कर देंगे, साथ ही इसमें चीनी डाल देंगे, कोको पाउडर डाल देंगे। अब एक विस्कर की मदद से इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि मेरी डेली आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके बाद हम इसमें दूध शामिल कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम दो हिस्सों में इसमें मैदा ऐड करेंगे क्योंकि एक साथ ऐड कर देने से इसमें लम्स बन जाते हैं, तो मैदा ऐड करके हम विस्कर की मदद से ही इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद दूसरा हिस्सा डाल देंगे और इसे भी हम विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब एक पैन में डाल देंगे दो चम्मच ये बैटर और फ्राई पैन को घुमाते हुए इसे चारों तरफ अच्छे से कोट कर लेंगे। इसे एक मिनट तक के लिए हम पकाएंगे। अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड को भी हम तकरीबन एक मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ क्रेप हमारा दोनों तरफ से पक चुका है, इसे निकाल लेंगे और बाकी के तमाम भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। आप इसे स्ट्रॉबेरी सॉस और विप क्रीम के साथ सर्व करें। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।